दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला अपने साथ क्रिकेटर ऋषभ पंत को लेकर चल रहे विवादों के बीच काफी सुर्खियों में। कुछ समय पहले उर्वशी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आरपी नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें कई बार फोन किया और उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। उसके बाद से ही उर्वशी और ऋषभ पंत के बीच ये विवादों का दौर शुरू हो चुका था। हाल ही में ऐसा लगा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला और क्रिकेटर ऋषभ पंत के बीच की गाथा आखिरकार खत्म हो गई है, जब एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने ऋषभ पंत से हाथ जोड़कर माफी मांगी। लेकिन इस बात पर उर्वशी 24 घंटे भी कायम नहीं रह पाई और उन्होंने अपनी बात से पलटते हुए कुछ ऐसा कहा जिसने फिर से उन्हें सुर्खियों में ला दिया। आइए बताते हैं आपको इस बारे में। अभिनेत्री उर्वशी रौटेला तब से सुर्खियां बटोर रही है जब उर्वशी ने कहा था कि एक मिस्टर आरपी उनसे मिलने के लिए होटल की लॉबी में लगभग 10 घंटे तक उनका इंतजार कर रहे थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ऋषभ पंत ने अपने एक पोस्ट के साथ अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया, जिसमें लिखा था, यह मजेदार है कि कैसे कुछ लोग केवल लोकप्रियता और सुर्खियों में आने के लिए इंटरव्यू में झूठ बोलते हैं। यह बहुत ही दुख की बात है कि कैसे कुछ लोग शोहरत और नाम के प्यासे होते हैं। भगवान उन्हें आशीर्वाद दे। उन्होंने अपने नोट में हैशटैग मेरा पीछा छोड़ो बहन और झूठ बोलने की भी सीमा होती है साथ में जोड़ा। दोस्तों हाल ही में उर्वशी से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था कि क्या वो ऋषभ पंत को कोई मैसेज देना चाहती है, क्योंकि आपने कहा था फॉरगिव एंड फॉरगेट। इस सवाल पर उर्वशी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सॉरी आई एम सॉरी। इसे देखकर हर किसी को यही लगा था कि उर्वशी ने ऋषभ पंत से माफी मांगी, लेकिन अब उर्वशी एक पोस्ट लिखकर अपनी बात से मुकर चुकी है। उर्वशी रौटेला ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए बताया था कि उनके सॉरी बोलने का मतलब ऋषभ पंत से नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने फैंस के लिए सॉरी बोला था। अपनी बात को साफ करते हुए उर्वशी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी का सहारा लिया और लिखा, इन दिनों आधिकारिक समाचार और मीम पेज फिल्मों या टीवी शो की तुलना में ज्यादा स्क्रिप्टेड है। यह सॉरी जो मैंने बोला था वो मेरे फैंस के लिए था। दोस्तों आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब उर्वशी अपनी बातों से मुकरती हुई नजर आई है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि वो क्रिकेट नहीं देखती और यही वजह है कि वो ज्यादा क्रिकेटर्स को भी नहीं जानती, लेकिन बाद में उर्वशी को 2 मैचों के दौरान स्टेडियम में क्रिकेट का मजा उठाते हुए देखा गया था। उर्वशी और ऋषभ की डेटिंग की अटकलें 2018 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने मुंबई में रेस्टोरेंट पार्टी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में आते जाते देखा गया। बाद में उनके ब्रेकअप की खबरें भी सामने आई और दावा किया गया था कि दोनों ने एक दूसरे को व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया है। फिलहाल उर्वशी तो अपने इस बयान को लेकर काफी सुर्खियों में है। दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।